विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है, एक्स वाई इक्वल्स 1000 है, वाई जेड इक्वल्स 2000, जेड एक्स इक्वल्स 3000, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक्स वाई इक्वल्स 1000 है, तो इसको एक्स वाई है, इसके बीच में जेड नहीं है, तो इस इक्वेशंस को जड से मल्टीप्लिकेशन कर दो दोनों तरफ, तब ये क्या बनते हैं, एक्स वाई इंटू जड, एक्स वाई इंटू जड इज इक्वल टू 1000 जड बनता है। ओके, तो ये इक्वेशन वन समझ लो। यहाँ पर वाई जेड है, इनके इसमें एक्स नहीं है, तो ये इक्वेशंस को इसे एक्स से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तब ये बनते हैं एक्स वाई जेड इक्वल्स 2000 एक्स, ये सेकंड इक्वेशन समझो। और जेड एक्स है इधर, इधर वाई नहीं है, तो इसको वाई से मल्टीप्लिकेशन कर दो दोनों तरफ, तब ये बनता है एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू 3000 वाई, दिस इज थर्ड इक्वेशन। ओके, अभी यहाँ पर ध्यान दो, एक्स वाई जेड इक्वल्स 1000 जेड, एक्स वाई जेड इक्वल्स 2000 एक्स, एक्स वाई जेड इक्वल्स 3000 वाई, ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस सेम है, तो इसके मतलब आर एच एस सेम हो जाएगा, देयरफॉर 1000 जेड इज इक्वल्स टू 2000 एक्स इज इक्वल्स टू 3000 वाई बनते। और इसको सब इक्वल्स सम कांस्टेंट के समझ लो, 1000 जेड इक्वल्स 2000 एक्स इक्वल्स 3000 वाई इक्वल्स के बनता है। तो अभी हम पहले फर्स्ट एक्स से लेंगे, 2000 एक्स इक्वल्स के 3000 वाई इक्वल्स के 1000 जेड इक्वल्स के बनते हैं, तो ये पहले सबसे पहले ये लेंगे 2000 एक्स इक्वल्स के, ठीक है, तो नेक्स्ट वाई का लेंगे 3000 वाई इक्वल्स के, और लास्ट में क्या बन रहे, 1000 जेड इक्वल्स के। लेकिन हमें मालूम है 1000 2000 3000 में एलसीएम अगर लिया तो एलसीएम क्या आ रहा है इसमें, 6000 आ रहे है ना, तो होल इससे अगर 6000 इसको डिवाइड करो और 6000 से इसको भी कर दो और 6000 से इसको भी कर दो, तब क्या होता है, ये 1/6 1/3 बनता है, ये 1/3 इंटू एक्स इक्वल्स के बनता है, ये तो एक्स इक्वल्स ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 3 के बनता है। और यहाँ पर क्या बनता है, 1/2 इंटू वाई इक्वल्स के बनता है, ये तो वाई इक्वल्स 2 टाइम्स के ये बनता है। और यहाँ पर जेड में 1/6 इंटू जेड इक्वल्स के बनते हैं, ठीक है, तो जेड का वैल्यू क्या आ रहा है, 6 टाइम्स के। तो ये इक्वेशन 4 समझो, ये 5 और ये 6, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर हमें मालूम इक्वेशन मिला, एक्स का वैल्यू मिला, वाई का वैल्यू मिला, जेड का वैल्यू मिला, तो इन हमें अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के चाहिए तो यहाँ पर लिख लेंगे उनका वैल्यू, एक्स इक्वल्स 3k, वाई इक्वल्स 2k और जेड इक्वल्स 6k, ठीक है। हमें मालूम है एक्स वाई 1000, एक्स इंटू वाई इक्वल्स 1000, ठीक है, तो हमें एक्स का वैल्यू मालूम है, वाई का वैल्यू मालूम है, इसमें एक्स का वैल्यू 3k है इंटू वाई का वैल्यू क्या है, 2k है, यहाँ पर 3k, ये वाई का वैल्यू 2k है, दिस इक्वल्स 1000 एज यूजुअल। तो दोनों में मल्टीप्लीकेशन किया तो 3 × 6 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 बनते हैं, देयरफॉर के स्क्वायर इक्वल्स 1000/6, तो के स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, 500/3।
के स्क्वायर के वैल्यू 500 डिवाइड बाई 3 आया। अब कौन से भी ये फर्स्ट से हमने एक्स वाई इक्वल्स 1000 से लिया, अगर आप वाई जेड इक्वल्स 2000 से भी लिया तो वही आएगा। देखो वाई जेड इक्वल्स 2000, वाई का वैल्यू 2k इंटू जेड का वैल्यू 6k इक्वल्स 2000, 2 6 आर 12, के स्क्वायर के इंटू के स्क्वायर दिस इक्वल्स 2000, तो के स्क्वायर इक्वल्स 2000 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 503 ही आता है, यानी के स्क्वायर का वैल्यू 503 ही आता है। ठीक इसी तरह अगर जेड एक्स अगर इसके साथ अगर वैल्यू पुट करके अगर सिंप्लीफाई किया तो के का वैल्यू के स्क्वायर का वैल्यू 503 आता है, यानी इसका मतलब हमें यहाँ पर एक के स्क्वायर का वैल्यू एक चाहिए 500 डिवाइडेड बाई 3। ओके हमें वैल्यू मिल गया है एक्स का वाई का जेड का और के स्क्वायर का, तो हमें फाइंड आउट करना है किसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिस इक्वल्स क्या होता है। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिस इक्वल्स, एक्स स्क्वायर मीन्स 3k होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 2k होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मीन्स 6k होल स्क्वायर दिस इक्वल्स, 3k होल स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर मीन्स 9 एक के स्क्वायर एज यूजुअल प्लस 2k होल स्क्वायर मीन्स 4k स्क्वायर प्लस 6k होल स्क्वायर मीन्स 36, 6 का स्क्वायर 36 एस के स्क्वायर एज यूजुअल दिस इक्वल्स। अब यहाँ पर के स्क्वायर सब में है तीनों में है तो के स्क्वायर कॉमन ले लो, अब यहाँ पर बचेगा 9 प्लस 4 प्लस 36 इक्वल्स, तो के स्क्वायर एज यूजुअल रख दो, तो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में अगर ये सब जोड़ लिया 36 प्लस 4 40 और ना 9 मीन्स ना 49 इक्वल दिस इक्वल्स 40 के स्क्वायर इंटू 49, तो के स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है 500 डिवाइड बाई 3, तो ये पुट कर दो तो दिस इक्वल्स के स्क्वायर का वैल्यू क्या है 500 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 49 एज यूजुअल दिस इक्वल्स, अगर 500 को 49 से मल्टीप्लिकेशन किया तो अगर 24,500 बनते हैं होल डिवाइडेड बाई 3 एज यूजुअल, इसका मतलब इसका आंसर होता है 24,500 डिवाइडेड बाई 3 इसका वैल्यू बनता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।